राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन और SOT शमशाबाद मिलके नोटोरियस ऑफेंडर जिन्होंने बहुत केसेस में शामिल था उनको आदेश किया है और उनसे 50 तोले के गोल्ड भी रिकवर किया है। उनका नाम है एक मोहम्मद गौस पाशा अलियास शेख गौस पाशा अलियास कुनी गौस। ये डेयरी फार्म रोड सेटलमेंट में राजनगर में रहने वाला है। इनके ऊपर अभी तक 14 केसेस में अरेस्ट हुआ है और अभी 50 तोले के गोल्ड इनसे रिकवर किया है। इन्होंने सेवंथ क्लास तक पढ़ा था, 7 क्लास तक पढ़ के उसके बाद 14 हाउस बर्गलरी केसेस में, थिफ्ट केसेस में, चोरी केसेस में शामिल थे। और जो 2018 सितंबर में मीर चौक पुलिस स्टेशन में निज़ाम म्यूजियम से जो गोल्ड कप और गोल्ड सासर गोल्ड टिफिन बॉक्स चोरी हुआ था उसमें भी ये शामिल था। वो रिलीज होने के बाद एक केसेस में अभी फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रात को जो घर बंद है 10 बजे से 6 बजे तक जिसमें कोई नहीं है वो ऐसे घरों को देखकर ये चोरी करते थे। और इनके ऊपर अभी 6 केसेस में हम अरेस्ट किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डरा और आर्म्स एक्ट केस में इनको, चोरी केसेस में गोलकोंडा PSK के चोरी केस में इनको अरेस्ट कर रहे हैं। उससे पहले 14 केसेस इनके ऊपर था और 2 वारंट्स भी पेंडिंग था राजेंद्र नगर PS में। CP साइबराबाद सज्जनार सर के सुपरविजन में SOT शमशाबाद जोन वेंकट रेड्डी, SI रवि और उनके एडिशनल DCP संदीप और ACP राजेंद्र नगर, इंस्पेक्टर कनकैया, इंस्पेक्टर पवन, इन पूरे मिलके बहुत कोशिश करके उनको पकड़ा है। इनके ऊपर राउडी शीट भी डाल रहे हैं और PDAC भी डालेंगे। रातों में गांजा पी के नहीं तो दारू पी के लोगों को न्यूसेंस करना, लोगों के ऊपर घरों के ऊपर जाके न्यूसेंस करना है, बहुत केसेस में ऐसे शामिल है। इनको अरेस्ट करके राउडी शीट और PDAC भी डाल रहे हैं।